राजस्थान में अवैध रूप से बिक रहा बायोडीजल अब पेट्रोल पंप मालिकों के लिए मुसीबत बन रहा है। डीलर एसोसिएशन ने आज नकली बायोडीजल पर रोक लगाने की मांग को लेकर अजमेर कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपा और इस पर जल्द से जल्द कोई कार्यवाही नहीं होने पर 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंप बंद करने की चेतावनी दी है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अजमेर इकाई के पदाधिकारियों का कहना है कि बायोडीजल के नाम पर अजमेर ही नहीं प्रदेश भर में नकली डीजल बेचा जा रहा है, जिसके कारण गाड़ियों को तो नुकसान हो ही रहा है और अब पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर नजर आ रहे हैं। नकली बायोडीजल अजमेर जिले में भारी मात्रा में बिक रहा है, जिसके कारण पेट्रोल पंप मालिक घाटे में जा रहे हैं, साथ ही सरकार को भी वेट का नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे में इस पर जल्द से जल्द लगाम लगाने की आवश्यकता है। इस संबंध में आज कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही कर कमेटी बनाने की मांग की है, जिससे कि नकली बायोडीजल बेचने वालों पर कार्यवाही की जा सके। उन्होंने कहा कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों व हाईवे के पेट्रोल डीजल पर 60-70% तक का नुकसान देखने को मिल रहा है, जिससे डीलर्स को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही सरकार को भी राजस्व का नुकसान इस नकली बायोडीजल से हो रहा है। ऐसे में इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो आगामी 25 अक्टूबर से सभी जिले के पेट्रोल पंप बंद कर अपना रोष प्रकट करेंगे। मैं दीपक ब्रह्मावर, सचिव अजमेर जिला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। हम लोग अभी कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं और अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आए हैं। ये रिगार्डिंग बायोडीजल है, जिसका कि अवैध कारोबार पूरे राजस्थान में इस तरह से जाल फैल गया है कि ये सारा इलीगल कारोबार सड़कों पे खड़े होकर बायोडीजल बिक रहा है, ढाबों के ऊपर बिक रहा है बायोडीजल के नाम से। ये बायोडीजल भी नहीं है, ये वाइट ऑयल है जो कि गाड़ियों को भी ख़राब कर रहा है, पर खुले आम बिक रहा है। इसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है, इसकी रोकथाम एडमिनिस्ट्रेशन ही कर सकता है। तो ये हम रिप्रेजेंटेशन देने आए हैं कि साहब इसकी इसके ऊपर लगाम लगाई जाए, रोकथाम लगाई जाए, क्योंकि कलेक्टर साहब और एसपी साहब को ज्ञापन देंगे। क्योंकि अगर रोकथाम नहीं लगाई जाती है तो इसकी वजह से हमारे पेट्रोल पंप की बिक्री करीब करीब शून्य होती जा रही है धीरे धीरे, और दुर्घटना का भी आशंका रहती है, और ये इलीगल तरीके से बिक रहा है। तो इसको इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या रहेगा? अगर हमारी मांगे, हम रिक्वेस्ट करने आए हैं और हमने अपने ज्ञापन के अंदर यही लिखा है कि साहब हमारी अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर हम अजमेर ज़िले की 25 तारीख को सिरोही जिले के तर्ज पे 25 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का आह्वान करेंगे। आज किसको लेकर के आए हैं? आज हम लोग अजमेर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अजमेर यूनिट के डीलर्स, पेट्रोल पंप डीलर्स आए हैं यहाँ पे। कलेक्टर साहब के पास एक निवेदन लेकर के आए हैं कि पूरे ज़िले में डीजल का अवैध कारोबार हो रहा है, बायोडीजल के नाम पर नकली तेल बिक रहा है और सारे पेट्रोल पंपों की सेल 60-70% गिर गई है। हम लोग चाहते हैं कि इस पर कोई जांच हो कि कहां से नकली तेल आ रहा है, कहां बिक रहा है, कौन ला रहा है, इस पर कोई कार्रवाई हो। इस नकली तेल के कारण गांव के और हाईवे के सारे पेट्रोल पंप बेहद नुकसान में चल रहे हैं, सरकार को भी अरबों रुपए का राजस्व का घाटा हो रहा है, GST की चोरी हो रही है, इस पर रोक लगाई जाए। हम लोग चाहते हैं कि कोई कमेटी का गठन हो या कुछ ऐसा हो जिससे ये अवैध कारोबार रुके, अन्यथा हम 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे समस्त अजमेर ज़िले के पेट्रोल पंप। आपका नाम? मेरा नाम अशोक जयसिंघानी है, मीडिया प्रभारी।